Welcome back to our channel JD Coaching Classes. So in this particular video, we are going to see important points on chapter number 6, that is animal classification. And jitne bhi important points rahenge, to wo sab highlighted rahenge yellow mein. So similarly, you have to highlight in your textbook. So dekhte hain first point, important point jo dekhe rakha hua hai. Okay. To yahan pe aapko page number 62 ke bottom page pe aapko diya hua hai. So this part you have to remember, non-chordates are classified or divided into 10 phyla and the name of those 10 phyla, okay. So here first important point hai, that you have to remember. Okay, then conventional system of animal classification. So this flow chart or mind map, ye aapko padhna hai ek bar, okay. So ye aapko aise learn rehna chahiye because iske upar questions aa sakte hai. And kaise questions banenge, uske liye ek bar jo description mein question bank deke rakha hua hai, wo ek bar aap download karo and solve karne ka try karo. तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि इस पे क्वेश्चंस कैसे बनने वाले हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जर्म लेयर में जो हाइलाइटेड है ये आप एक बार पढ़ लेना, ओके। देन सिमिलरली इन बॉडी सेगमेंटेशन, डेफिनेशन ऑफ सेगमेंट एंड सेगमेंटेड बॉडी, तो वो एक बार आप पढ़ लेना। एंड ये तो फ्लो चार्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा ही रहेगा, अगर नहीं पढ़ा रहेगा तो इसको एक बार आप गो थ्रू कर लेना बिकॉज इसके ऊपर से क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, ओके। देन कमिंग ऑन टू द फाइलास, अभी जितने फाइलम में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ऑलरेडी हाईलाइटेड है, ओके। तो वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं। अभी इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पॉइंट में से आने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, बट हाँ अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो जो हाईलाइटेड है वही है, ओके। सो यहाँ पे आपको ऑस्टिया ऑस्क्यूला ये याद रहना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन, यहाँ पे आपको स्पीक्यूल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, तो ये एक पॉइंट याद रखना, ओके। मूविंग ऑन टू सिलेंट्रेटा और एडायरिया, सो इसमें पॉलिप मेड्यूसा ये टर्म याद रखना। देन प्लैटी एलमिंथेस, सो इन केस ऑफ प्लैटी एलमिंथेस डेफिनेशन ऑफ फ्लैट वर्म्स, किसको बोलते हैं फ्लैट वर्म, वो एंड एंडोडर्म एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, तो ये तीन लेयर होता है इनके अंदर, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक, ओके। देन इन केस ऑफ फाइलम एस्केल एमिनथेस, इसमें भी आपको ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो ये आपको एक इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। एंड ये वाला पॉइंट, बॉडी ऑफ द एनिमल इज नॉन सेगमेंटेड, सेगमेंट नहीं रहेगा उनके ऊपर एंड कवर रहेगा टफ क्यूटिकल से, ओके। सो ये भी आपको एक पॉइंट याद रखना है। मूविंग ऑन टू फाइलम एनिलिडा, सो इन दिस केस आपको फर्स्ट पॉइंट याद तो रखना ही है, एज वेल एज ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है इसमें। दिस एनिमल्स आर आइदर हर्माफ्रोडाइट मीन्स बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, सो दिस यू हैव टू रिमेम्बर। देन फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसमें आपका पॉइंट नंबर सेकंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर चांसेस बहुत ज़्यादा है एमसीक्यू बनने का, सो पॉइंट नंबर सेकंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पॉइंट फर्स्ट तो एज यूजुअल हर एक फाइलम का इंपॉर्टेंट है। एंड एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है पॉइंट नंबर फिफ्थ, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट अराउंड देयर बॉडी, सो काइटिन का बना रहता है एक्सोस्केलेटन उनके बॉडी के अराउंड रहता है, ओके। आपने कॉकरोच से देखा ही रहेगा तो वो सबको पता है। देन फाइलम मॉलिस्क, मॉलिस्क के अंदर वो क्या पढ़ना है, सिमिलरली फर्स्ट पॉइंट एंड उसके बाद में विसरल मास इज कवर्ड विद मेंटल, दिस मेंटल सीक्रेट्स अ हार्ड कैल्केरियस शेल, दिस शेल मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल और इवन एब्सेंट इन सम केसेस, तो आपको ये पॉइंट याद रखना। एंड दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, ओके, मीन्स मेल एंड फीमेल अलग अलग बॉडी में रहते हैं। देन एकिनोडर्माटा, सो इसमें क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड देन उसके बाद में इसमें आपको जो लास्ट वाला देखे रखा हुआ है ना, ये भी आपको याद रखना है, दीज एनिमल्स हैव गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, तो ये भी आपको याद रखना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज फाइलम हेमिकोर्डेटा, सो इसमें जो भी हाइलाइटेड है वो तो इंपॉर्टेंट आपको दिखता ही रहेगा। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा वो ये एकॉन वॉर्म्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एकॉन वॉर्म्स, तो ये आपको एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए। एंड हाँ, ये जितने भी फाइलम्स है उसमें आप एग्जाम्पल्स जो दिए हुए टेक्स्ट बुक के अंदर आप उसके बाद अच्छे से गो थ्रू कर लेना, ये रहेगा तो उसको आप एक अलग से नोट डाउन कर लो एंड उसका रिवीजन करो बिकॉज एग्जांपल आने के भी चांसेस है इसमें से, ओके। मूविंग ऑन टू फाइलम कोरडेटा, एंड इस फाइलम कोरडेटा में जितने भी आपको ये थ्री टाइप्स देके रखे ना सब फाइलम, यूरोकोरडेटा, सिफालोकोरडेटा एंड वर्टेब्रेटा, आई विल सजेस्ट कि आप ये तीनों का डिफरेंस बिटवीन बना लो, ओके। एंड तब आप इजीली इसको पढ़ लोगे बिकॉज ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो इसको आपको टफ जाएगा वो, तो तीनों का आप साइड बाय साइड डिफरेंस बिटवीन बना लो एक शॉर्ट नोट में एंड आप उसको अच्छे से गो थ्रू कर लो बिकॉज इसमें से भी चांसेस है। एंड सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इसमें ज़रा कुछ मार्क नहीं किया मैंने, तो आप जैसा बोला है मैंने वैसा आप डिफरेंस बिटवीन बना लो।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सब फाइल व्हाटएवर डाटा इज डिवाइडेड इनटू सिक्स क्लासेस। सो सिक्स क्लास इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी देखिए मार्क करके रखा हुआ है। ओके सो फर्स्ट वन क्या दिया, दिस एनिमल्स हैव जॉलेस माउथ प्रोवाइडेड विद सकर। ओके एंड एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेज का बना रहेगा। एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टोपैरासाइट्स। तो ये लास्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एंड यहाँ पे जो क्लास पाइसेस होता है वो पोइकिलोथर्म्स होते हैं, दैट इज कोल्ड ब्लडेड। एंड यहाँ पे आपको याद रखना है वो रेस्पिरेशन अकर्स विद गिल्स। सिमिलरली इन क्लास एम्फीबिया फर्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, एंड उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट एक्सटर्नल ईयर इज एबसेंट, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर क्लास के लिए। एंड फॉर क्लास रेप्टीलिया यहाँ पे भी एक्सटर्नल ईयर इज एबसेंट, तो ये भी आप याद रखना। एंड जो ये फर्स्ट पॉइंट है वो एज यूजुअल इंपॉर्टेंट तो है। ओके देन क्लास एव्स, तो इसमें होमियोथर्म्स रहते हैं, वार्म ब्लडेड रहते हैं। ओके एंड जॉस आर मॉडिफाइड इनटू बीक एंड फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स एंड डिजिट्स आर कवर्ड विद स्केल्स एंड बियर क्लॉस। तो उनके पास में क्लॉस रहता है डिजिट में, आप देख सकते हो। एंड वो जो भी मॉडिफिकेशन रहता है वो भी आपको याद रखना है। देन लास्ट क्लास दैट इज ममेलिया, सो इसमें मेमोरी ग्लैंड का प्रेजेंस रहता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट, दैट इज हेड नेक ट्रंक एंड टेल, दिस वाज आल्सो इंपॉर्टेंट। ओके सो ये आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब हाईलाइटेड है। ओके सो ये आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है। एंड क्वेश्चन बैंक देके रखा हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दैट यू हैव टू डाउनलोड एंड ट्राई टू सॉल्व इट। एंड वी विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी बेस्ड ऑन द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन बैंक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।